हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉप वॉच एंड मेजरिंग सिलेंडर। ये हमारे दो जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आज हम इनकी डेफिनेशन, वर्किंग और इनके यूजेस जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये हमारे चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट से रिलेटेड हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये लिखा हुआ है कि इट इज़ ए स्पेशल वॉच टू मेजर टाइम इंटरवल फॉर एन इवेंट। किसी भी इवेंट का जो हम टाइम नोट करते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टॉप वॉच, ठीक है। एक्चुअली हमारे हाउसेस, स्कूल्स के अंदर जो वॉल क्लॉक होते हैं या जो वॉचेस होती हैं उनमें जो टाइम होता है वो कंटिन्यूस रन करता रहता है, लेकिन स्टॉप वॉच के अंदर हम टाइम को पॉज भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं और रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपके सामने दो स्टॉप वॉच हैं, तो ये आपकी है डिजिटल स्टॉप वॉच जो आजकल जो है वो यूज़ हो रही है, डिजिटल स्टॉप वॉच, ठीक है। इसमें सेकंड्स भी होते हैं और इसमें आपको मिनट्स का टाइम भी मिलता है और इसमें आवर्स भी होते हैं किसी भी टाइम के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पे जो साइड में जो स्टॉप वॉच बनी हुई है ये आपके बुक के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। और ये हमारी स्टॉप वॉच जो है वो एक ओल्ड कंडीशन पे जो है वो बनी हुई है, जो मॉडर्न है वो आपके यहाँ पे आपके पास है, जिसको हम डिजिटल स्टॉप वॉच कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि हम स्टॉप वॉच को स्टॉप वॉच क्यों कहते हैं, व्हाई वी कॉल इट स्टॉप वॉच, ठीक है। तो इसका आंसर है बिकॉज वी कैन स्टार्ट एंड स्टॉप द टाइम टू नोट द टाइम इंटरवल, ठीक है। क्योंकि हम इसको स्टॉप कर सकते हैं इसीलिए ही हम इसको क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच, ठीक है। इस पे यहाँ पे जो है वो इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसका जो होता है हैंडल होता है, ठीक है। जब आप इसको प्रेस करते हैं और रिलीज़ करते हैं, ठीक है, प्रेस करते हैं फिर ये खुद रिलीज़ हो जाता है और आपका जो टाइम होता है इसी से स्टार्ट भी होता है। अगर आपको टाइम जो है वो पॉज करना होता है, स्टॉप करना होता है, तो ये फिर क्या होता है, यहीं से जो है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि स्टॉप वॉच की जो है वो वर्किंग क्या होती है, ठीक है। तो वर्किंग के इसके जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो फंक्शंस हैं। तो पहले फंक्शंस पे आते हैं, स्टॉप वॉच वर्किंग में जो पहला हमारा फंक्शन आता है वो ये आता है, टू नोट द टाइम बोथ हैंड्स ऑफ द स्टॉप वॉच आर सेट एट 0 बाय प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द नोब बी, ठीक है। तो जब भी हम स्टॉप वॉच से जो है वो टाइम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको 0 पे लेके आते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने कितना जो है वो टाइम कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये इसकी नोब होती है, इसको हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये सेकंड्स की मेजरमेंट होती है, ये आपका हैंड सेकंड्स को मेजर करता है। और ये आप नीचे अंदर भी एक जो है वो देख रहे हैं, ये मिनट्स को जो है वो मेयर करता है। तो ये दोनों पहले 0 पे आ जाते हैं, फिर हम जैसे ही इसको प्रेस करते हैं ये टाइम स्टार्ट करना जो है वो शुरू करता है। उसके बाद है स्टॉप वॉच वर्किंग, ठीक है। वर्किंग का जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि एज द नोब बी इज प्रेस्ड एंड अगेन रिलीज द वॉच स्टार्ट्स, ठीक है। जैसे ही हम नोब को प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद ये क्या होती है, तो फिर वो हमें उसको रिलीज़ करना पड़ता है। यहाँ पे इसका हैंडल लगा हुआ है, पहले हम इसको यहाँ पे जो ये इसका ब्लैक पार्ट है इसको प्रेस करते हैं, फिर इसको जो है वो क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी 3 पॉइंट है वो ये है कि When the seconds hand completes one rotation of 60 seconds, the minutes hand advances by 1 division. ये तो आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं कि आपका जो 1 मिनट होता है
वो इक्वल होता है 60 सेकंड्स के, ठीक है। तो जैसे ही 60 सेकंड्स आपके पूरे होंगे तो जो मिनट का स्केल होगा उसमें जो है वो 1 मिनट आपका जो है वो काउंट हो जाएगा, और इसी तरीके से मिनट्स जो हैं वो आपके काउंट होते जाएंगे। पहले सेकंड्स कंप्लीट होंगे, उसके बाद क्या होंगे आपके मिनट्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे। अगर हम फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करें तो इसमें बताया जा रहा है व्हेन वी वांट टू स्टॉप द वॉच द नो बी इज़ प्रेस्ड एंड रिलीज्ड अगेन। अगर हमें इसी स्टॉप वॉच को फिर से स्टॉप करना है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे इस नोब को पहले क्या करेंगे प्रेस करेंगे, और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम ऊपर की तरफ जो है वो रिलीज़ करेंगे। तो रिलीज़ करने के बाद ये जो आपकी स्टॉप वॉच होगी ये जो है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट में है द न्यू पोजीशन ऑफ द हैंड्स गिव्स द टाइम इंटरवल फॉर विच द स्टॉप वॉच वाज इन ऑपरेशन। तो फिर होगा जब आप उसको प्रेस कर देंगे तो फिर आपको एक टाइम मिलेगा, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि आपने जो है वो कितना इंटरवल जो है वो स्टॉप वॉच ने जो है वो मेयर किया है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए उसको स्टार्ट कर रहे हैं और फिर उसको स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि इसके यूजेस जो है वो कहाँ पे होते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन इसका एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो ओलंपिक गेम्स होती हैं, ठीक है ना, तो ओलंपिक गेम्स में क्या करते हैं एथलीट्स, क्या करते हैं एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, ठीक है। फिर उनका टाइम नोट किया जाता है, तो वो टाइम जो है वो स्टॉप वॉच के थ्रू जो है वो नोट किया जाता है कि किस जो एथलीट ने, किस खिलाड़ी ने, किस प्लेयर ने कितना टाइम लिया है एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल था। उसके बाद हम जाते हैं सेकंड टॉपिक पे, दैट इज़ मेयरिंग सिलेंडर, ठीक है। मेयरिंग सिलेंडर की डेफिनेशन ये होती है कि अ ग्लास सिलेंडर टू मेयर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये आपका एक ग्लास सिलेंडर होता है जो आपको मेयरमेंट देता है क्यूबिक सेंटीमीटर्स के अंदर, ठीक है। इसकी जो मेयरमेंट होती है वो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मेयरिंग सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद है व्हाई वी कॉल इट मेयरिंग सिलेंडर, हम इसको मेयरिंग सिलेंडर क्यों कहते हैं। बिकॉज इट्स शेप इज लाइक द सिलेंडर टू मेयर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स एक्यूरेटली। इसकी जो शेप होती है वो एक सिलेंड्रिकल बॉडी की तरह होती है, ठीक है ना। जैसे आप सिलेंडर्स देखते हैं गैस सिलेंडर, तो इसी तरीके से ये कंटेनर बना होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं मेयरिंग सिलेंडर, ठीक है। और इसके थ्रू हम किसी भी लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो एक्यूरेटली मेयर कर सकते हैं। उसके बाद है हाउ वी मेयर वॉल्यूम थ्रू दी मेयरिंग सिलेंडर, हम मेयरिंग सिलेंडर के थ्रू जो है वो वॉल्यूम किस तरीके से मालूम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं लिक्विड्स पोर करते हैं, लिक्विड्स डालते हैं। सपोज कर लीजिए हमारा इसके अंदर ये जो मैं येलो कलर इसको लगा रहा हूँ, ये सपोज कर लीजिए आपका एक लिक्विड है, ठीक है। तो इसको नोट करने की जो पॉइंट होती है वो ये होती है कि जो आपकी आँख है वो बिल्कुल उसके स्ट्रेट लाइन पर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो ना ही आप यहाँ से अपर साइड से कर सकते हैं, ठीक है, ये करेक्ट नहीं होगी, और ना ही आप इसकी जो मेयरमेंट है वो डाउनवर्ड साइड या बॉटम साइड से कर सकते हैं। अगर आपको एक्यूरेट मेयरमेंट चाहिए लिक्विड की, तो आपको जो कंटेनर के अंदर लिक्विड मौजूद है उसको बिल्कुल क्या देखना है, स्ट्रेट जो है वो देखना है। आपकी जो आँख है, आय है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए कंडक्टर से, उसके बाद ही आप जो है वो एक्यूरेटली जो है वो मेयर कर सकते हैं वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।